पॉजिटिविटी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मेलबर्न में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की बाउंसर लगने से मैथ्यू वेट का हेलमेट डैमेज हो गया। वहीं विकेटकीपर ऋषभ पंत और वेट के बीच मैच में कई बार जुबानी जंग देखने को मिली। इससे वेट इतना गुस्सा गए कि उन्होंने पंत को घूर कर देखा। हालांकि इसके बावजूद पंत रुके नहीं और कई बार उन्हें परेशान करते दिखे। दूसरी पारी के 35वें ओवर की चौथी बॉल मैथ्यू वेट के हेलमेट में लगी या बाउंसर बुमराह ने की थी। बॉल इतनी तेज थी कि हेलमेट डैमेज हो गया। हालांकि इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के फिजियो ने उनका कंकशन टेस्ट लिया। अच्छी बात यह रही कि वेट को कोई चोट नहीं आई और वेट इसमें पास हो गए। इसके बाद वेट ने हेलमेट बदला और खेलना जारी रखा। वहीं लंच के बाद दूसरे सत्र में भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत और वेट के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। ऑस्ट्रेलियाई पारी के 25वें में वेट ने बुमराह की बॉल को डिफेंस किया। इसके बाद पंत विकेट के पीछे से वेट को कुछ बोलते नजर आए। इस पर वेट ने उन्हें घूर के देखा। पंत मैच की पहली पारी में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान करते नजर आए। बता दें कि भारतीय टीम सोमवार को 326 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर पहली पारी में 131 रन की लीड ली।